टॉपिक है ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, ब्लॉक डायग्राम का यहाँ पे मतलब है कि कंप्यूटर में कौन कौन से हिस्से हैं, कैसे कैसे आपका कंप्यूटर काम करता है। तो फर्स्ट स्टार्टिंग आपकी कहाँ से होती है? डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस से। ठीक है, तो आपका जो डेटा और इंस्ट्रक्शन है वो कौन से यूनिट से प्रदान किया जाता है? इनपुट यूनिट से। ठीक है, एज एन इनपुट पहले आपका डेटा और इंस्ट्रक्शंस दिया जाएगा। ये कहाँ पे आपका जाएगा? स्टोरेज यूनिट में। तो स्टोरेज यूनिट में आपकी सेकेंडरी स्टोरेज भी होती है और प्राइमरी स्टोरेज भी होती है। ठीक है, और उसके बाद यही इनपुट जो है प्रोसेसिंग के लिए कहाँ जाएगा? आपका कंट्रोल यूनिट में या फिर अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट में। फिर जब इस वाले पोर्शन से यहाँ पे पूरी प्रोसेसिंग हो जाएगी, उसके बाद प्रोसेसिंग होने के बाद फिर से ये पहले ऐसे होगा, यहाँ पे ये सेकेंडरी स्टोरेज या प्राइमरी स्टोरेज में आया, फिर इसमें गया कंट्रोल यूनिट में, अर्थमेटिक कंट्रोल यूनिट में, यहाँ पे प्रोसेसिंग हुई, फिर ये वापस फिर से स्टोरेज यूनिट में गया, स्टोरेज यूनिट से ये कहाँ जाएगा? आउटपुट यूनिट में। आउटपुट यूनिट से क्या होगा? जो इन्फॉर्मेशन यूज़र को चाहिए होगी वो मिल जाएगी। ठीक है, तो अब इसी चीज़ को हम आगे एक्सप्लेन करेंगे कि ये चीज़ें क्या है आपकी। तो फर्स्ट था इनपुट यूनिट। तो आपको पता ही है इनपुट यूनिट क्या होता है। इनपुट यूनिट और डिवाइस इज़ अ डिवाइस थ्रू विच वी एंटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर। तो इनपुट यूनिट या डिवाइस ऐसा डिवाइस होता है जिसकी मदद से हम कंप्यूटर में कोई भी डेटा या फिर कोई भी इंस्ट्रक्शंस एंटर कर सकते हैं। इन एडिशन इट कन्वर्ट द एंटर डेटा इनटू कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्म। इसके साथ साथ इनपुट डेटा क्या करता है? जो भी एंटर्ड डेटा है उसको वो कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, कन्वर्ट क्यों करेगा? क्योंकि जो कंप्यूटर है आपका वो ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज को समझता नहीं है, तो जो इनपुट डिवाइसेस हैं वो ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेजेस को किस में कन्वर्ट कर देंगे? कंप्यूटर के समझने वाली भाषा में। तो कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है? 0 और 1 की लैंग्वेज, जिसको कि क्या बोलते हैं? बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, द इनपुट यूनिट कंसिस्ट ऑफ वन और मोर इनपुट डिवाइसेस। तो इनपुट यूनिट में आपके एक या एक से ज़्यादा इनपुट डिवाइसेस हो सकते हैं। कीबोर्ड इज़ द वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस। तो कीबोर्ड क्या है आपका? सबसे ज़्यादा आमतौर पर यूज़ होने वाला इनपुट डिवाइस है। ठीक है, बाकी अभी आगे डिटेल में पूरे इनपुट यूनिट्स हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको भी हम क्या बोलते हैं? CPU। CPU इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो आपको ये जानकारी होगी कि CPU को हम कंप्यूटर का ब्रेन बोलते हैं। द कंट्रोल यूनिट एंड ALU ऑफ द कंप्यूटर आर टुगेदर नोन एज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो CU कंट्रोल यूनिट और ALU को मिलके हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU हैज़ 3 पार्ट्स, 3 हिस्से होते हैं इसके, ALU, CU, MU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट। तो ALU क्या होता है? ALU परफॉर्म ऑल द अर्थमेटिक एंड लॉजिकल फंक्शन, दैट इज़ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड सर्टन कंपैरिजन। तो जितनी भी आपकी गणना होनी है, चाहे वो अंकगणित या फिर वो आपकी तार्किक फंक्शन परफॉर्म करना है, तो वो कहाँ, कौन से पोर्शन में परफॉर्म किया जाता है? ALU में। ठीक है, चाहे आपने जमा करना है, माइनस करना है, या फिर गुणा करना है, या फिर आपने कोई दो वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर करना है, वो कहाँ पे होगा? ALU में। दीज कंपेरिजन्स इंक्लूड ग्रेटर दैन, लेस दैन, इक्वल्स टू, एट्सेट्रा। तो कंपेरिजन, जहाँ पे हम तुलना की बात करें, तो कैसे आप कंपेयर कर सकते हो? दो वैल्यूज़ को में से आपने कोई बड़ी वैल्यू निकालनी है, दो वैल्यूज़ में से आपने छोटी वैल्यू निकालनी है, या फिर दो वैल्यूज़ एक दूसरे के बराबर हैं, इस तरीके की जितनी भी
तुलना है वो सारी कहाँ पे होगी आपकी ALU में। तो ये था अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। नेक्स्ट है कंट्रोल यूनिट। इट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट ऑल ऑपरेशंस ऑफ द कंप्यूटर एंड इज नोन एज हार्ट ऑफ कंप्यूटर। इट टेल्स अदर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम व्हाट टू डू। अब इस वाले पोर्शन में क्या होता है, जितने भी ऑपरेशन हो रहे हैं कंप्यूटर पे उन सब को कौन कंट्रोल करता है, कंट्रोल यूनिट। ठीक है, वो ऑपरेशन आपके ठीक तरीके से परफॉर्म करे वन बाय वन। तो इस सब का कंट्रोल आपका CU में होता है और CU को कंप्यूटर का हार्ट माना जाता है। ये बाकी कंप्यूटर के सारे हिस्सों को बताता है कि उन्होंने कौन कौन सा कार्य करना है। मेमोरी यूनिट नेक्स्ट हो गया आपका। मेमोरी यूनिट MU जिसको बोलते हैं। मेमोरी इज यूज टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन बिफोर एंड आफ्टर प्रोसेसिंग। अब मेमोरी का काम क्या है, जो भी डेटा और इंस्ट्रक्शंस यूज़र ने दिया है, ठीक है, प्रोसेसिंग से पहले और प्रोसेसिंग के बाद, उन सबको भंडारण करने का कार्य किसका होता है, मेमोरी का। मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज प्राइमरी मेमोरी और इंटरनल मेमोरी। इट इज़ यूज टू स्टोर डेटा टेम्प्रेरी एंड परमानेंटली। मेमोरी को हम और क्या बोलते हैं, प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं या फिर इंटरनल मेमोरी भी बोलते हैं। इसका इस्तेमाल किया जाता है डेटा को या तो कुछ क्षण के लिए स्टोर करने के लिए, या फिर अगर आपने परमानेंटली कोई भी अपना डेटा स्टोर करना है कंप्यूटर सिस्टम पे, तो उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये थे तीनों हिस्से किसके, CPU के। अब नेक्स्ट है आपका आउटपुट यूनिट। इनपुट यूनिट में क्या किया, हमने डेटा एंटर किया। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में उस डेटा की पूरी प्रोसेसिंग हुई। अब प्रोसेसिंग के बाद क्या होगा, आपका जो रिज़ल्ट है वो डिस्प्ले कहाँ होगा, तो वो है आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट और डिवाइस इज अ डिवाइस थ्रू विच रिजल्ट्स आर डिस्प्ले टू द यूज़र। तो ये यूनिट या फिर ये जो यंत्र है, ऐसा यंत्र होता है जिसके माध्यम से आपका जो रिज़ल्ट है वो यूज़र को दिखाया जाता है। एंड आउटपुट डिवाइस इज यूज टू शो द रिजल्ट्स ऑफ प्रोसेसिंग। तो एक आउटपुट डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम प्रोसेसिंग का रिजल्ट देख सकें। सम कॉमनली यूज आउटपुट डिवाइसेज आर मोनिटर, जिसको वीडियो भी बोलते हैं, प्रिंटर एट्सेट्रा। तो कुछ आपके आउटपुट डिवाइसेज होते हैं जिनको आप बोलते हैं मोनिटर और प्रिंटर। ठीक है, तो ये पूरा आपका ब्लॉक डायग्राम यहाँ पे कंप्यूटर का एक्सप्लेन किया गया है, जितने भी आपके यूनिट्स उसमें होते हैं। तो कोई भी आपको डाउट है, क्वेश्चन पुट कर सकते हो आप मैसेजेस के थ्रू।